हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू के आर सो क्वेश्चन बैंक ऑफ एसपी क्वेश्चन आई पार्ट और जे पार्ट हम इसमें देखेंगे यानी क्वेश्चन वन हमारा कंप्लीट हो जाएगा सी क्वेश्चन आई में क्या आता है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सी आपको जो टेक्स्ट बुक में नीचे दिए हुए ए टू जे तो उसमें से कोई भी फोर बिट्स आती है ओके तो करेक्ट आप लोग आप लोग एसपी की अगर पेपर पैटर्न आपको पता नहीं है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट के प्लेलिस्ट के ऊपर अगर आप जाओगे तो वहां पे एसपी का पेपर पैटर्न मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो वो आप लोग देख लेना तो करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट मैंने फर्स्ट वन कैसे करके दिया हुआ है जैसे प्रिफरेंस गेट डिविडेंड एट फ्लेक्चुएटिंग रेट तो अंडरलाइन किसके नीचे है फ्लेक्चुएटिंग तो आपको सिर्फ जो अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड रहता है वो गलत रहता है ओके okay? यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया है कि वो उसको करेक्ट करो तो आपको वो जो गलत वर्ड है उसको ही आपको सिर्फ चेंज करना है और एज इट इज पूरा सेंटेंस लिखना है देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए पूरा लिख के दिया है बाकी इसमें मैंने सिर्फ आंसर आपको दिए हुए हैं तो जैसे आपको मैंने फर्स्ट इसमें बताया उसी तरह से आपको लिखना है पूरा सेंटेंस इसलिए फर्स्ट का आंसर क्या आएगा ये तो आपको पता है ये प्रिफरेंस शेयर को फ्लक्चुएटिंग रेट में डिविडेंड मिलता है क्या नहीं उनको फिक्स रेट में मिलता है फ्लक्चुएटिंग तो का बदला यानी उसके बदले में क्या आएगा वर्ड फिक्स तो आंसर क्या आएगा प्रिफरेंस एट फिक्स रेट यहां पे जल्दी जल्दी में बच्चे क्या कर लेते हैं इक्विटी इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट आपका सेंटेंस तो करेक्ट है पर यहां पे आपको प्रिफरेंस वर्ड बदलने को नहीं बोला है आपको कौन सा वर्ड चेंज करने बोला है फ्लक्चुएटिंग तो वो आपको प्रॉपरली देखना है कि अंडरलाइन ये कौन से वर्ड के ऊपर है ओके okay? नहीं तो आपको आते हुए भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा तो आपको इस तरह से पूरा सेंटेंस वो सिर्फ वर्ड चेंज करके लिखना है सेकेंड वन डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड विद इन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ये जो वन मंथ में आपको वन के नीचे अंडरलाइन दिया है तो आप अगर पेज नंबर 53 देखोगे टेक्स्ट बुक में वहां पे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट एक्सप्लेन किया हुआ है तो वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा वन मंथ नहीं आएगा क्या आएगा थ्री मंथ तो आप वन मंथ की जगह पे क्या लिखोगे थ्री मंथ और एज इट इज पूरा सेंटेंस लिखना है सी अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ऐसे सिर्फ आंसर नहीं लिखना है आपको पूरा सेंटेंस लिखना है सिर्फ वन मंथ की जगह पे आप थ्री मंथ लिखोगे थर्ड वन कंपनी इशूइंग अ कंपनी इशूंग रेडिमेबल सॉरी इनरेडीमेबल डिबेंचर्स मस्ट क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट्स ऑफ दी कंपनी मस्ट क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट क्या दिया है ऑफ द कंपनी तो इन डिबेंचर हो गए तो असेट पे चार्ज क्रिएट करना रहता है क्या तो नहीं आंसर क्या आएगा इसका सिक्योर्ड डिबेंचर जो सिक्योर्ड डिबेंचर रहते हैं नाम में ही उनको कुछ तो भी सिक्योरिटी चाहिए अगर उनके पैसे डूब गए तो वो कंपनी के असेट भी सेल करके अपना पैसा वापस उनको मिल सकता है तो इसके लिए उनको क्या रहता है कोई भी कंपनी की प्रॉपर्टी रहती है इट शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी तो वहां पे, uh, so, पे ट्रस्ट डीड भी बनाई जाती है दे आर सिक्योर थ्रू ट्रस्ट डीड ऑल्सो तो यहां पर इेडिमेबल वर्ड की जगह पे क्या आएगा सिक्योर्ड डिबेंचर्स नेक्स्ट वन फोर्थ वन टू रेट इट्स डिबेंचर्स अ कंपनी अपॉइंट्स अंडर राइटर्स अरे कंपनी अपॉइंट अंडरराइटर करती है क्या किसी को डिबेंचर को रेट देने के लिए नहीं तो क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अपॉइंट की जाती है टू रेट डिबेंचर्स ए प्लस ए बी प्लस जो भी रेटिंग रहता है डिबेंचर्स का तो वो कौन देती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अंडरराइटर्स ये तो क्या रहते हैं कंपनी को गारंटी देते हैं जब कंपनी Uh, कोई भी न्यू शेयर्स मार्केट में लाती है तो अंडर राइटर्स अपॉइंट करती है कि अगर सपोज मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला कंपनी को तो वो अंडर राइटर्स गारंटी देते थे कि हम परचेस कर लेंगे शेयर्स उनको कमीशन दिया जाता है उसके बदले में नेक्स्ट फिफ्थ वन कंपनी सॉरी फिफ्थ हो गया है सिक्स वन डिपॉजिट रिसिप्ट इज इश्यूड विद इन सेवन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट तो डिबेंचर सॉरी डिपॉजिट रिसिप्ट है जो सेवन डेज में नहीं दी जाती है वो कितने दिनों में दी जाती है ट्वेंटी वन डेज में दी जाती है ये आपको रिड्यूस सिलेबस में, में, से पूछ लिया है ये हमने जो देखा था प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स उसमें आप लोग देख सकते हो पेज नंबर एटी फाइव पर एव पर दिया हुआ है ये तो आपको जो दिया हुआ है कि डिपॉजिट रिसिप्ट सेवन डेज में देनी है तो सेवन डेज में नहीं देनी रहती है वो कितने दिनों में देनी रहती है इक्कीस दिनों में ट्वेंटी वन डेज में सेवेंथ बैंकिंग सिस्टम लीड्स टू स्क्रिप्टलेस कैपिटल मार्केट बैंकिंग सिस्टम वर्ड आ गया है तो बैंकिंग सिस्टम है क्या इसका आंसर नहीं ये हमने चैप्टर नाइन में देखा हुआ था इसका आंसर बैंकिंग सिस्टम नहीं आएगा पर क्या आएगा डिपॉजिटरी सिस्टम ओके क्योंकि डिपॉजिटरी सिस्टम लीड्स टू स्क्रिप्टलेस कैपिटल मार्केट स्क्रिप्टलेस कैपिटल मार्केट यानी क्या पेपरलेस ट्रेडिंग सिस्टम क्योंकि डिपॉजिटरी सिस्टम में जो सिक्योरिटी रहती है दे आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सो उसकी वजह से क्या हो जाता है पेपरलेस हो गया पेपर की जरूरत नहीं है उसमें सो so, यहाँ पे आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनिक मोड नेक्स्ट नाइन्थ आई एस आई एन सॉरी वन सिक्योरिटीज आर फंजीबल इन फिजिकल मोड तो फिजिकल मोड में है क्या फंजिबल ये हमने लास्ट ऑब्जेक्टिव में वर्ड देखा था तो नहीं आई सॉरी सिक्योरिटीज आर फंजिबल इन इलेक्ट्रॉनिक मोड फंजिबल यानी क्या स्टेट ऑफ बींग इंटरचेंजिबल यानी जो भी सिक्योरिटीज रहते इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर देव फीचर लाइक दे डोन्ट नंबर दे डोंट हैव सर्टिफिकेट नंबर so they can be uh, sorry they cannot be distinguished from each other to so, yaha pe answer kya aayega securities are fungible in electronic mode ninth one isin isin is a code given to company to isin ye code kise diya hua rehta hai company को रहता है क्या तो नहीं securities को तो इसका answer आप पूरा ऐसे लिखोगे आई एस आई एन इज अ कोड गिवन टू अ सिक्योरिटीज ये क्या रहता है ये यूनिकली एक कोड दिया हुआ रहता है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर ओके तो यानि हर एक सिक्योरिटी जो है उनको स्पेसिफिक जो सिक्योरिटी इश्यू रहती है उसको वो कोड दिया रहता है तो कंपनी को नहीं है ये कोड ये कोड किसे सिक्योरिटीज को टेंथ तो ये चैप्टर टेन का आ गया है अभी डिविडेंड इज पेड टू क्रेडिटर्स बहुत ही ईजी है डिविडेंड दिया जाता है क्या क्रेडिटर्स को तो नहीं क्रेडिटर्स को क्या दिया जाता है इंटरेस्ट तो डिविडेंड की जगह पे क्या वर्ड लिखोगे आप इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज पेड टू क्रेडिटर्स इलेवेंथ स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पेड टू डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड नो क्योंकि ये कुछ डिविडेंड uh, तो हर बार ही डिक्लेयर होता है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है क्या नहीं ऑर्डिनरी पूरा सेंटेंस आपको लिखना है ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मस्ट बी पास टू डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड इन डैश मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड तो कौन से मार्केट में है सेकेंडरी मार्केट क्या आएगा आंसर सेकेंडरी मार्केट हमने दोनों देखा हुआ है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट ये कब रहता है वेन कंपनी इश्यू न्यू शेयर देन इट इज डन इन द प्राइमरी मार्केट एंड वेन द सिक्योरिटीज शुड अर्लियर आर ट्रेडेड इट दे आर ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पे बोर्ड दिया हुआ है तो उसका आंसर क्या आएगा सेकेंडरी मार्केट ओके तो यहाँ पे हमने आई पार्ट कंप्लीट कर लिया है अभी हम जे पार्ट देखते हैं सी जे में क्या आता है अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेन्ज करना है आंसर तो यहां पर आपको एक ही लेसन के पूरे दे दिए हुए है तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा फिर भी हम एक बार देख लेते हैं इसके लिए आप आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर सेवेंटी टू ओपन कर लो प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है उसी के ऊपर से ये पूरा का पूरा दिया हुआ है यहाँ पे देखो पहला क्या दिया है ऑप्टेन क्रेडिट रेटिंग एंट्री इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर रिसीव एप्लीकेशन विथ मनी तो हमने जो इश्यू ऑफ डिबेंचर का प्रोसीजर देखा था एक बार सिर्फ वो प्रोसीजर आप लोग सुन लो तो आपको उस तरह से ऑर्डर में अरेंज करना है आपको यहाँ पे ऊपर नीचे दिया हुआ रहता है वो प्रोसेस आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है तो डिबेंचर इशू का जो प्रोसेस था उसमें क्या रहता है फर्स्ट रिजोल्यूशन पास होता है इन बोर्ड मीटिंग देन होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग देन फाइलिंग विथ रजिस्टर ऑफ कंपनीज देन ऑप्टेन क्रेडिट रेटिंग देन एंटर इन टू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट इस तरह से आपको पॉइंट दिए हुए ये मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन भी किया हुआ है वो चैप्टर में चैप्टर फोर में तो इसका आंसर क्या आएगा पहले ऑप्टन क्रेडिट रेटिंग उसके बाद है रिसीव एप्लीकेशन विथ मनी एंड देन एंट्री इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर उसके बाद सेकेंड दिया हुआ है इश्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू प्रोस्पेक्टर्स एंड ओपन बैंक अकाउंट तो इसका आंसर क्या आएगा पहले प्रोस्पेक्टर्स इश्यू किया जाता है इश्यू प्रोस्पेक्टर्स देन ओपन बैंक अकाउंट एंड देन इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट इसके लिए आप लोग वो प्रोसीजर एक बार देख सकते हो वो वीडियो का थर्ड होल्ड बोर्ड मीटिंग इश्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट एंड रिसीव एप्लीकेशन विथ मनी ये दिया हुआ है तो उसका आंसर क्या आएगा पहले सो so इसका आंसर है पहले एप्लीकेशन मनी मिलता है बाद में बोर्ड मीटिंग होल्ड बोर्ड मीटिंग फॉर अलॉटमेंट एंड देन इश्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट ओके okay, स्टूडेंट तो इस वीडियो में हमने अभी पूरा क्वेश्चन वन कंप्लीट कर लिया है अभी मैं कल तक पूरे सभी वीडियोस अपलोड कर लूंगी और जो भी क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग पूरा अच्छे से देख लेना क्वेश्चन बैंक का मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है प्ले पे तो यानी वहां पर आपको पूरा एसपी का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा ओके थैंक यू स्टूडेंट्स हैवे गुड डे